एमएन और एमएक्स का फॉर्मूला क्या है? एमएन इक्वल्स टू एमएक्स अपॉन कॉस गामा, ये पढ़े थे। ये अपन किसमें कहाँ का लग रहा है? ये अपने वो हेलिकल का लग रहा है, हेलिकल में किया था ना कॉस बीटा, तो इसमें कॉस गामा आता है। एमएन मिल गया अपने को कुछ ना कुछ। अब अपने को बकिंगम और डियर लोड, ये दो चीज में अपने को प्रूफ करने का है कि डिजाइन इज सेफ है। बकिंगम का अगर फॉर्मूला देखेगा तो उससे पहले अपने को एफएस निकालना पड़ेगा। एफएस एफएस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बी टू, ये एमएक्स क्या भाई? बी इनटू एमएन, एक्सियल मॉड्यूल है या नॉर्मल मॉड्यूल है? ये अलग मॉड्यूल है थोड़ा। एमए वाई वाई ऑफ बी टू, बस ये यहाँ से देखो एफएस टू निकाल लेगा। वाई ऑफ बी टू निकाले ना भाई पीछे, ये क्या किया अपन ने? वाई बी टू निकाले थे ना यार, तुम भी कुछ भी बोलते थे। एफ एस टू निकाल लिए। अब बाकी हम का फॉर्मूला देखे अपन, पी एस जी 8.44 अपना पी एच जी है ना, देखेंगे तो बकेंगे। फॉर्मूला दिया है एफ डी इक्वल्स टू 6 + VMG अपॉन 6 × FD। अभी VMG अपने को मिल जाएगा कैसा? अपने को RPM दिया है, वी इक्वल्स टू पाई V1N1/60, डी मालूम है, एन मालूम है। अब अपने को FT ढूंढेगा है। FT कैसा मिलेगा? D1/2 × MT। वही सेम फॉर्मूला। हाँ, यहाँ से FT मिल गया, FT मिल गया, है या NT है? MT। FT मिल गया, VMG मिल गया, FD मिल गया। कंडीशन फॉर सेफ डिज़ाइन क्या है? FS2 शुड बी ग्रेटर देन FD, डिज़ाइन इज सेफ। वही वेयर लोड का भी फॉर्मूला इधर दिया, FW इक्वल्स टू DG BKW। FD का पीछे निकाले ना भाई, FD FD का वही तो FD, ये क्या है क्या लिखो? DG का D1 DG बी है अपने पास, KW। अब KW के लिए अपने को यहाँ आना पड़ता है, प्रेशर एंगल, ये वेयर फैक्टर KW। अपना कौन सा है? ब्रॉन्ज है और अपन हमेशा हार्ड एंड स्टील देते हैं, और अपना प्रेशर एंगल 20 डिग्री, उसके हिसाब से 5.6 आएगी KW की वैल्यू। 5.6 बी फाइंड किए थे, ये भी D1 भी FW आ जाएगा। अब कंडीशन फॉर सेफ डिज़ाइन हमेशा अपन क्या कर रहे थे? FS2 शुड बी ग्रेटर देन FW, लेकिन वेयर लोड में अपन हमेशा गलत कर रहे थे, हमेशा आएगा FW शुड बी ग्रेटर देन FD। सब इसमें FW should be greater than FD, तो अपना wear load में। अब आता है अपना heat generation का formula, 1 - eta। ये उस समय तो ऐसा था, input h को एक संख्या है, स्पर्गर 4500 स्पर्गर में ऐसे था। eta अभी eta की value कहाँ से लाएगा तू भाई? तू बताया था उधर इधर। eta का ये एक formula, ये अलग वाला eta। और रो का फॉर्मूला tan inverse of mu। ये फॉर्मूला इसका। अब अपने स्लाइडिंग वेलोसिटी अपन 3 लिए थे, और अपना ब्रॉन्ज फॉर्म भी लिया। थ्री पे कब कट कर रहा है? ये 0.03 के जस्ट ऊपर, ये 0.04 है, 0.03 उसके बीच में 3.5 आएगा, तो इसका मतलब अपनी tan इनवर्स मी इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू, हाँ रो इक्वल, हाँ 3.5 आएगा ना tan इनवर्स ऑफ 3.5, म्यू की वैल्यू आएगी 0.035। अब tan इनवर्स ऑफ म्यू रो मिल जाएगा अपने को यहाँ से कुछ ना कुछ, रो मिल गया तो ईटा मिल गया अपने को, इनटू एच भी मालूम है, 4500 मालूम है, ये अपने को हीट जनरेटेड यहाँ मिल जाएगा, समझो। अब आता है हीट डेसिपेटेड में, हीट डेसिपेटेड सब इधर ही दिया है इसका, क्या है HCR A × ΔT। इधर कुछ अपने को एजम्पशन करना पड़ेगा। लेट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑयल विल रीच 90 डिग्री सेल्सियस, जो मैक्सिमम यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है ऑयल का वो 90 डिग्री अपन एज्यूम कर सकते हैं।
और जो सिस्टम का है वो 75 सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर। तो डेल्टा टी अपना हो गया 15, ये अपना इसका एक्सेप्शन हो गया। अब एरिया की बात करें, इधर ही दिया है 57.2 ए रेस टू 1.7, ए निकाल चुके हैं अपन ने, एरिया मिल जाएगा। ए बहुत पहले निकाले थे, बहुत पहले पिछले साल। अब आता है अपना एचसीआर कहाँ से निकालेगा, उसके लिए तेरे को यहाँ आना पड़ेगा। पीएसजी पिन नंबर पीएसजी 8.5। इधर पहले तेरे को एरिया निकालना पड़ेगा, तेरा समझ जा आता है 11526.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तू इधर एचसीआर की वैल्यू क्या लेगा, वो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बताया ना 57.2 इंटू ए रेस टू 1.7, ए की वैल्यू अपन बहुत पहले निकाल चुका। अच्छा, अब एच सी आर की वैल्यू यहाँ तो कैसा लेगा, अब तो देखना 0.18। हाँ, अब ये अपना 10^-3 बोला, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है, उसके साथ 10^-3 मल्टीप्लाई करा। मेरा अगर समझ जाए ये एरिया आता है, उसके साथ 10^-3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 11.52 आएगा। हाँ, अब 11.52 यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ तक का 10 होएगा ना। हाँ, तो इससे जस्ट ऊपर, यानी एक काम करते हैं अपन यही ले लेते हैं, 0.18 भी लेगा, अप्रॉक्सीमेट चल जाएगा। तो एच सी आर 0.18, अब ए है डेल्टा टी, एच सी आर है हीट डेसिपेटेड, तेरे को मिल जाएगा। अब इधर एक क्राइटेरिया, हीट डेसिपेटेड शुड बी ग्रेटर देन हीट जनरेटेड, देयरफॉर योर डिजाइन इज सेफ। ये तेरा होम विल है।